Subscribe to Shemaroo Shorties and click the bell icon to never miss an update. बस्तियां सबके किनारे पे पहुंच जाती हैं ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है दीन धर्म के भेद भुला के हम सब एक समान बने दीनानाथ जी को उनकी सच्चाई उनकी लगन और उनकी ईमानदारी के लिए यह कलम भेंट करता हूं यह कलम हर उस इंसान के पास है जिसने ज्ञान की शिक्षा पाई है और कल ये तुम्हारे पास होगा मगर बच्चों याद रखो कि एक तलवार के वार से सिर्फ एक आदमी जख्मी होता है मगर कलम से निकले हुए गलत शब्दों से लाखों लोग हलाक हो जाते हैं बर्बाद हो जाते हैं तो इंसान की मुल्क की कौम की तकदीरें इस कलम से बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं मेरे दोस्तों कभी भी इस कलम का गलत इस्तेमाल ना कीजिएगा शांति ये ले मैना भैया आज तुमने मेरी तमन्ना पूरी कर दी माँ जब इस चिड़िया की शादी होगी ना तो दहेज में मैना जरूर दे देना वरना ये रोती भैया शेरू शेरू अबे ओ घोचू कहाँ गया तू आपकी तारीफ तारीफ अरे मैं तारीफ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया घोड़ा मुझे बनाया और गेंडा उसे बनाया तीनू मेरे दोस्त आए मेरे यार आ ही गया मेरे दोस्त मेरे दोस्त आए ले ये ले तेरा कप अच्छा तू ले आया वरना मैं पुलिस के कुत्ते तेरे पीछे छोड़ देता मैं ईमानदार आदमी हूँ मेरे 6 महीने पूरे हो गए अब तेरी बारी द थ्री लेगेड चैंपियन आज आप चाची जान अरे सुरैया बेटी जीती रहो चाची जान भाई जान और शांति कैसे बिल्कुल ठीक है बेटी और तुम दोनों को हमेशा याद करते रहते और कुंदन ने तुम्हारे लिए ये फोटो भेजा जल्दी अरे वाह अल्लाह हमारे भाईजान को हमेशा सलामत रखे साहब निशाना ठीक लगाना कहीं पड़ोसन की खिड़की ना खुल जाए अब तो दीदार करा दे मेरी लैला मुझको वरना पत्थर से ये मारेंगे मेरे यार मुझे शहर की बीमारियां गांव में फैलाता है कुंदन बेटे इसे जाने नहीं देना ये मेरे रुपए छीन कर भागा है ये लो काका अरे बेटा तेरा लाख लाख धन्यवाद ये क्या कर रहे हो अरे फक अरे यार कुंदन मैं ठहरा पठान का बेटा
लड़ना मरना मेरे खून में शामिल है, मगर यार तू मास्टर का बेटा कलम के अलावा खतरा भी मोल ले सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। दोस्त, कलम के वक्त कलम, तलवार के वक्त तलवार, हर इंसान को उठाना चाहिए। माना कि लड़के वाले जहेज के नाम पर तुझसे एक छल्ला भी नहीं लेना चाहते, मगर कहने और करने में बहुत फर्क होता है मेरे दोस्त। बैठ बैठ बैठ, तू बात चीज में बहुत भोला है दिनू, अब तू मेरी तरफ देख। सुरैया की शादी तय करने से पहले मैंने राव के पूरे खानदान का शजरा निकाल लिया। अच्छा, तू मुझे उन लोगों का नाम और पता दे दे, मैं उन सबकी जन्म पत्री निकाल कर तेरे हाथ में दे दूंगा। यार शेरू, तुझ में सिर्फ एक खामी है, तू हर शख्स को चोर डाकू समझता, आखिर रहा ना तू पुलिस वाला। अमर पुलिस वाला तो मैं हूँ। रहे हो तुम, मुझे रोज सिंदूर का तिलक लगाती हो, क्या मैं एक दिन तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं भर सकता? नहीं, अभी वक्त है, इंतजार करो। ए, ए छोरी, इंतजार करते करते बचपन की गाड़ी जवानी के प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची है, अब तो ये गाड़ी तुम्हारे बिना आगे नहीं बढ़ने वाली। अरे ऐसा बोलो कोई सुन लेगा। तो सुनने दो, कोई पाप कर रहा हूँ क्या? अरे भगवान के सामने कहते हुए नहीं डरता तो दुनिया से क्या डरना। और फिर बापू ने हरी झंडी दिखा दी है, उधर शांति विदा होकर अपने ससुराल जाएगी और इधर सोना जेवर की तरह सच धज कर बहू बनकर हमारे घर आएगी। पंडित जी, ये मंत्र मंत्र बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए। दीनानाथ जी, पहले लेन देन की बात क्लियर कर ले। लेन देन? ये सब क्या है? आपने तो जहेज लेने वालों और देने वालों दोनों की बुराई की थी और ये आज आप। अरे तो हम कहाँ आगरे का ताजमहल और दिल्ली का लाल किला मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि बंद मुट्ठी खोल दीजिए दीनानाथ जी। भाई जो मैं कह चुका हूँ वो आपके सामने है, 11 जोड़े कपड़े, 11,000 और 100 रुपए नकद, और जो सोने के जेवरात मेरी बेटी पहने हुए हैं वो देखे तो जरा ये जेवरात। देखो बेटी, दीनानाथ जी, हम तो समझे थे कि आप ऐसे स्कूल के मास्टर हैं जहां बच्चों को अच्छी तालीम और शिक्षा दी जाती है, लेकिन आप तो झूठ बोलने और फरेब देने के हेडमास्टर निकले गोपाल नाथ जी। जबान संभाल कर बात कीजिए। रमजान मियां, लगता है आपको किसी ने बहका दिया है, वरना दीनानाथ जी के लिए ऐसी बात कहना तो दूर की बात है, सोचना भी बात है। बेटा कुंदन, जाओ मदनलाल सुनार को ले आओ। माफ कीजिए गोपाल दास जी, आप साफ साफ बताइए कि मुझसे क्या भूल। दीनानाथ जी, जिस तरह से आपने अपने चेहरे पर शराफत और भोलेपन का पानी चढ़ा रखा है, उसी तरह इन नकली जेवरों पर सोने का पानी चढ़ाकर आप मेरे हवाले करना चाहते हैं? ये आप क्या कह रहे हैं, ये जेवरात असली सोने नागराज जी के यहाँ गिरवी रखे थे, आप पूछ लीजिए ना उनसे। अरे मास्टर जी, जो जेवरात आपने मेरे पास गिरवी रखे थे वो मैंने बड़ी हिफाजत के साथ अपनी तिजोरी में रखे थे, उसके बाद आपको आपकी चीजें वापस लौटा दी थी। अब ये जेवरात सोने के हैं, चांदी के हैं या पीतल के हैं, या आप जाने, मुझ गरीब को क्यों इन कांटों में घसीट रहे हैं आप? असली और नकली जेवरात का फैसला फेरों से पहले होगा दीनानाथ जी। जी हाँ भाई साहब, बिल्कुल होगा। लीजिए मदनलाल जी आ गए। आइए मदनलाल जी। राम राम मास्टर जी। मदनलाल जी, जरा देखिए तो सही कि इस सोने की चूड़ी में क्या खोट है। देख लिया आप सबने? तो बेटा ये शादी नहीं होगी। रुक जाइए, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आजकल के नौजवान अपने आप पर भरोसा रखते हैं, दहेज को बुरा समझते हैं। मेरी बहन लक्ष्मी समान है, जिस घर में जाएगी स्वर्ग बना देगी। ओ भाई साहब, अपनी लक्ष्मी अपने घर में रखो।
के कारण दुनिया वालों ने तेरी बेटी को मार डाला, तुझे झूठा बना दिया। इस पापी संसार को तेरे इस कलम की जरूरत नहीं, एक ऐसे कलम की जरूरत है जो स्याही से नहीं खून से लिखता हो। मैं भवानी मां के चरणों में खड़ा होकर सौगंध खाता हूं, जो कहानी आज मैंने अपने खून से लिखना शुरू की है वो उस पापी के खून पर अंत हो। रमजान, ये गांव वालों के जेवर गांव वालों में बांट दे। लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। लाला, जो कहानी तूने मेरे घर से शुरू की थी आज मैं उसे सारे गांव वालों के सामने खत्म करूंगा। चल। लाला नहीं, मैं बताता हूं। तेरे पास तेरी शादी मेरी बेटी के साथ करने से इनकार कर दिया था। तूने मुझे अटकड़ियां लगा दी। मैं बदले की भावना में चल रहा था। मैं सिर्फ तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। मैं तुम्हारे बाप की बात नहीं चाहता था। वो कविता गोपाल दास मेरे बचपन का तो निकला। अरे तेरे पास मास्टर दीनानाथ के जेवरात अभी तक गिरवी पड़े हैं ना? हाँ वो तो है। तो फिर सुन, वो जेवरात एक दिन के लिए तू मुझे दे दे, मैं बिल्कुल वैसे ही पीतल के बनवाकर तुझे वापस कर दूंगा। फिर तू सोने के जेवरात अपने पास रख लेना और पीतल के मास्टर जी को दे देना। फिर शादी के मंडप पर सारे गांव वालों के सामने मैं उसकी ईमानदारी पर ऐसा जूता मारूंगा, ऐसा जलील करूंगा कि अगर उसमें जरा भी हया होगी तो मारे शर्म के वहीं मर जाएगा साला। ये बोल, मत भूल कि तू एक शरीफ मास्टर का बेटा है। मैं आपको लूटने नहीं राजा साहब, बचाने आया हूं। आप नहीं जानते ये बाप बेटे दोनों बहर रुपये हैं, खूनी हैं, और आज मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। आज भरी सभा में ये शादी के फूल तेरी चिता पर जलेंगे। नहीं कुंदन, नहीं। थैंक यू डीजी साहब, मैं तुम्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेने दूंगा। छोड़ दीजिए डीआईजी साहब, मैं इस खूनी की तलाश में जंगलों में भटकता रहा, पत्थरों से टकराता रहा, तब कहीं जाकर ये मुझे मिला। आप नहीं जानते ये कौन है। रुक जा, छोड़ दो मेरे बाप को। कम ऑन डैड।
मुझे नहीं मिलता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। डैड सजा तो तुम्हें यही मिलेगी। तू ये ब्रेसलेट ले ले पूरे 50 लाख का। मेरे बाप के कलम की कीमत इससे भी कहीं ज्यादा थी। जी साहब मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूं। दयाजी शेर अली खान ने कानून का फर्ज पूरा किया। अब मैं अपने मरहूम दोस्त मास्टर दीननाथ के इकलौते बेटे को एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूं। ये कलम सच्चाई